बिहार कलेक्टिव हर उस शख्स का है जो हिंदुस्तान के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संवाद में, बातचीत में और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट का कूटनीति का मैच चल रहा है आजकल, इसका भी हाल बिल्कुल यही है। और कम से कम मीडिया के मैदान में तो यही हाल है कि एक ही टीम खेल रही है, ऐसा कि पाकिस्तान खेल ही न रहा हो। सरकार जो मीडिया को थमाती है, मीडिया उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, यानी हम जब कुछ भी कहें तो हमसे यह कहा जाता है कि तुम हो क्या, तुम हो कौन बोलने वाले, और अगर तुम बोल रहे हो तो तुम कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही हो सकते हो। इस माहौल में इस तरह की कोशिशें भी कितनी छोटी लगें और कितने ही कम लोग जमा हों, इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि जिसको जमहूरियत कहा जाता है या जनतंत्र कहा जाता है, वह दरअसल धमाके से चलने वाली चीज़ नहीं है, वह एक इनकलाब नहीं है, वो रोज़मर्रा की कार्रवाई है। देश के अंदर एक कश्मकश चली है, दो सिद्धांतों की लड़ाई चल रही है। ये मोदी जी का एक खास एक वेल प्लान्ड और मूव रहा है, जो जिससे पूरे देश को इन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश करी है। Why is the politician so powerful today? I mean, he's like a god. अगर हम कुछ बोले तो हमारे ऊपर सेडिशन, हमारे ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन। प्रशांत कनौजिया के साथ क्या हुआ? क्रिमिनल डेफेमेशन फॉर ट्वीटिंग अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ। क्रिमिनल डेफेमेशन कैन नॉट बी देयर एज अ लॉ इन इंडिया। क्रिमिनल डेफेमेशन क्या है? व्हाई क्रिमिनल? इट शुड बी अ सिविल ऑफेंस। आपको ये के ऊपर ये ड्यूटी नहीं है कि आप लिटरेचर को जाने या साइंस को या आर्ट्स को या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस को, लेकिन कानून ने ये ड्यूटी लगाई है कि आप सबको लॉ जानना है। सिर्फ जजेस एग्जेम्प्टेड हैं इससे, क्योंकि वो अक्सर ऐसे जजमेंट्स देते हैं जिन पे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरे लिए खासतौर पे बहुत ही खास दिन है, क्योंकि पटना शहर मेरा अपना शहर है। पहले सैयद शहाबुद्दीन मेमोरियल लेक्चर में मैं इकबाल अहमद आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इतने बेहतरीन स्पीकर्स आपके सामने मौजूद हैं, और ये भी सैयद शहाबुद्दीन साहब के लेक्चर में हम लोगों की ये गुजारिश पे यहाँ हाजिर हो गए। सरजमीन बिहार में एक अजीब खूबी है, यहाँ बागी भी पैदा होते हैं, प्रेमी भी पैदा होते हैं। देखा गया है कि बागी प्रेमी हो गए, प्रेमी बागी हो गए। इससे अधिक कीर्ति जीवन में अब क्या लूंगा, इससे अनुपम दान भला अब किसे क्या दूंगा। जाओ जाकर कहो पुत्र वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय दान ने मांग कर लाया। बहुत अदब से फरहान नकवी साहिबा से गुजारिश करता हूँ। अब शायद हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में खासकर गिने चुने ही राज्य हैं जहाँ कोई अपनी बात खुल करके कह सकता है बिना इस खौफ के कि पिटाई हो जाए, बिना इस खौफ के कि हथकड़ियां लग जाएं, या कोई चिल्ला करके कहे कि आप देशद्रोही हैं। जो घटनाक्रम इस देश में अभी हो रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि मीडिया से उसका जो कनेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तुमने घर छोड़ा, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए, तुमने घर छोड़ा
चलो तुम तो मुहाजिर हो गए, हम यहाँ हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। तो जब आवाज जो उठती है टेलीविजन स्टूडियो से, स्टूडियो में, और जोर जोर से लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, तब जब आपको सुकून महसूस करना हो तो आपको लिखना है। असल में एक कास्ट है और कास्ट का जो उपद्रव है सदियों पुराना है। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड कास्ट है, इसके बारे में बहुत कम ना के बराबर अभी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में है। कास्ट बहुत कुछ, लॉ के बारे में भी बहुत कुछ है, लेकिन ये जो लॉ एंड कास्ट, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड कास्ट के बारे में कुछ नहीं। जो जाति को लेकर के जो अवधारणाएं हैं, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अपनी जातियों को छोड़ के नहीं बैठे हुए हैं। कल किसी परसों किसी महापुरुष ने, जो एक सांस्कृतिक संगठन के महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जाति से निकलना होगा। कमाल की बात है, हिंदू समाज को जाति से निकलना होगा कि जाति ना हो गया, एक छतरी हो गई जिस छतरी को हटाना है। जाति यहां है, जाति यहां है, जाति उस हाईकोर्ट जज के स्टेटमेंट में है कि आरक्षण से पढ़ के आए हो क्या?